पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीदी के इस दावे के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में है, वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते नहीं नजर आ रहे। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने की अनुमति तक नहीं दी। राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। इसे लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी।